साबरमऊगंज से है, जहां मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को लेकर शासन द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 5 व 6 को चिन्हित किया गया है, जहां के लोगों में मलेरिया फैलने की आशंका जाहिर की गई है, जिसके लिए आयुष विभाग द्वारा मलेरिया रोकथाम के लिए वार्ड वासियों को आयुर्वेदिक दवा खिलाई जा रही है, जिसका आज शनिवार को वार्ड क्रमांक 5 व 6 में विधायक प्रदीप ने लोगों को आयुर्वेदिक दवा की पहली खुराक खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित वार्डवासी एवं क्षेत्रीय भाजपा नेता मौजूद रहे। ये मलेरिया की दवा खिलाई जा रही है, क्या है ये? आयुष विभाग द्वारा अभी पूरे प्रदेश में हर नगर में जो वार्ड जहाँ पे मलेरिया के प्रकोप ज़्यादा आए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 5 और 6 पीछे बस्ती के कारण यहाँ पे चिन्हित किए गए थे, तो इन दोनों वार्डों में सघन अभियान के तहत एक शनिवार को एक खुराक, फिर अगले शनिवार को एक खुराक ऐसे ही देनी है। तो वो सब उसमें लगे हैं, पूरी टीम आयुष विभाग की घर घर जा कर के ये मलेरिया की जो दवा है होम्योपैथी की दवा उसको खिला रहे हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान 2 चरणों में है। फर्स्ट चरण अभी सितंबर में है 3 दिन, और सेकंड चरण अक्टूबर में है, वो भी 3 खुराक 3 चरण चलेगा।